प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात करेंगे। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम जो होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगती है, अर्थात संपूर्ण त्रिभुज में। एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है। संपूर्ण त्रिभुज का मतलब इसमें एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। आपको पता है 90 डिग्री के सामने जो भुजा होती है वो कर्ण कहलाती है। ये आपका आधार है और ये भुजा लंब है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। ये बेस है और ये परपेंडिकुलर साइड। एक समकोण त्रिभुज में हम क्या अप्लाई करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा में लंब का वर्ग, अर्थात हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर साइड स्क्वायर। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस स्टेटमेंट कहती है कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। आइए हम वेरीफाई करते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ये कोण 90 डिग्री का है। मान लेते हैं ये कर्ण जो है वो 10 सेंटीमीटर है, आधार 6 सेंटीमीटर है और लंब 8 सेंटीमीटर है। अब हम वेरीफाई करें कर्ण का वर्ग एसी का वर्ग। एसी 10 सेंटीमीटर है, 10 का वर्ग कितना होगा 100। अब हम बात करेंगे आधार का वर्ग बीसी का वर्ग जमा में एबी का वर्ग अर्थात लंब का वर्ग। जब बीसी का वर्ग करेंगे 6 का वर्ग जमा में एबी का वर्ग 8 का वर्ग, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, 64 जमा 36 कितना हुआ 100। आप देख रहे हैं कर्ण का वर्ग बराबर क्या आया, आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, ये दोनों बराबर हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है, वेरीफाई हो रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।